देवी और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा, तत्पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे मध्य उपस्थित होंगे। मुश्किल जब आती है काय को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जी हां, आज आप सब देशवासियों के राष्ट्र प्रेम और साहस की आगे मार रहे, प्रकृति भी नमन कर रही है, सराह रही है। इसी का परिणाम बारिश की बूंदे थमते हुए और इसी बीच हम प्रतीक्षा रत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की। अरे पहले तो आ ही नहीं रहा था, पता नहीं कुछ अभी देखा एक आ गया। कौन सा? हाँ, नाम कौन है तुझे? हाँ, अरे वो सब कोई वो नहीं है। अरे आगे देखो, जब तक मिल रहा होगा नहीं है कुछ। ये भी देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, आप सबसे निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर सम्मान खड़े हो जाएं। देवी और सज्जनों, लोकतंत्र की जननी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। आज
सबका सामूहिक देश प्रेम, आपके पुरुषार्थ की तपिश, सूर्य देवता को भी बाध्य करेगी बादलों की ओट से बाहर आने के लिए, कर्तव्य पथ को आशीर्वाद देने के लिए। अब हम प्रतीक्षारत है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के। Special beating retreat ceremony for our president. And since she has taken oath of this office, this is her first beating retreat ceremony as the chief guest. The president's bodyguard ready to salute their supreme commander and then escort her in perfect tradition to Vijay Chowk. विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, और अब राष्ट्रपति जी को सिल्यूट दिया जाएगा। उसके बाद वो समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी विजय चौक की ओर। President's bodyguard, also referred to as the PBG, their commandant, Colonel Anup Tiwari, gives the command, the salute is given, and now this contingent of the PBG will escort the President. Commandant Colonel Anup Tiwari and the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay coloured mounts. Raised in 1773, the President's bodyguard, the oldest and senior most regiment of the Indian Army. Slight drizzle has picked up over here, but from the demeanour, from the perfection of the wheeling of the mounts, you cannot make out that there is another element in the weather. माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, अभिवादन, स्वागत। और इधर बीच बीच में बारिश हल्की और कभी कभी तेज होती हुई, एक अलग तरह का ये समारोह। और इधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला रायसीना पहाड़ी की ओर से बढ़ चला है विजय चौक की ओर बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए। आज के समारोह में जो संगीतकार संचालक यानी कंडक्टर्स हैं, उनमें सेना बैंड के सूबेदार मेजर दिग्गर सिंह और विशेष संचालक यानी स्पेशल कंडक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू, नौसेना बैंड M. Anthony Raj, Master Chief Petty Officer, 2nd Class, Vayu Sena Band, Warrant Officer Ashok Kumar,
पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड, सुविधा मेजर बसवराज बग्गे, सीएपीएफ बैंड, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह, बिगुल वादक, नायब सूबेदार संतोष कुमार पांडे और प्रिंसिपल कंडक्टर यानी प्रधान संचालक आज के समारोह के फ्लाइट लेफ्टिनेंट लईमा फोकपम रूपा चंद्र सिंह। A washed look, but definitely not washed out. It's amazing to see the stillness and the demeanor, even of the mounts, as they continue to move slowly, gracefully, and in perfect rhythm. Once the president arrives here at Vijay Chowk, the national anthem will be presented, the sounding of the fanfare by the buglers, and then that will be the cue for Vijay Chowk to resonate with the color and creativity, with the harmony and blend of quick and slow marches, hymns, reels, the blues, the yellows, the oranges, and the gold. The buglers heralding the arrival of the president. परंपरा भी, सादगी भी और भव्यता भी, प्रजातंत्र के उत्सव अनोखे, इन्हें मनाने की परंपरा का निर्वहन हर बार बेहतर करने की भावना से किया जाता है और विजय चौक पर आगमन हो रहा है देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन, उनका स्वागत किया गया माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों द्वारा। The rain picking up pace. Well, so are the activities over here. So is the music and so is the ceremony. Going to pick up pace now. Rajnath!
Thank you.
Rise for the meeting to tune. Those in uniform will salute.
समापन समारोह समाप्त हुआ, बैंड को ले जाने की आज्ञा दे महोदय। What we have to do, that's the motto of our men and women in uniform. And as the inky darkness descends here, there is light, light from within, light lining the corridors of power. Prakash mein aur bhi khil utha hai hamare ganatantra ka rang, aitihasik imaratein, hamare loktantra ka mandir, sansad bhavan, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक रायसीना पहाड़ी पर पूरा इलाका रोशनी में नहाया हुआ, संगीत के सुरों ने जो छटा बिखेरी उसे रोशनी ने जादुई सा बना दिया है। पूरा माहौल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ, बारिश, लेकिन रोशनी से अब पूरा माहौल बदल गया, खिल उठा पूरा इलाका। Our military band's persons performing with such brilliance, energy, as if wearing an invisible raincoat of training, dedication, and diligence. Thank you.
दर्शक भाव विभोर और बहुत उत्साह। आज के पूरे कार्यक्रम में बारिश होती रही, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने संगीत का जो समा बांधा, जो जादू यहां बिखेरा, उसके हम सभी साक्षी बने। और उसके बाद अब टेक्नोलॉजी की सहायता से इस रोशनी का जो प्रभाव है वो और भी बढ़ता हुआ, पुरानी सैन्य परंपरा का ये भव्य और नया उदाहरण। माननीय राष्ट्रपति जी, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करती हुई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ग्रीटिंग द व्यूअर्स हियर। इट्स बीन एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ फोर्टिट्यूड बाय द ऑडियंस टू देयर इनकरेजमेंट टू द परफॉर्मर्स, देयर कॉन्स्टेंट चेयरिंग, देयर अप्लॉडिंग द फॉर्मेशंस हैज बीन सो इंस्पायरिंग फॉर ऑल टू सी। आज का समारोह बारिश के बावजूद बेहद भव्य, बीटिंग रिट्रीट। द एयर परफ्यूम्ड विद सेंटिमेंट एंड नेशनल प्राइड, द टाइमलेस मेलोडीज वी हर्ड, अ ब्रिज टू द पास्ट एंड एम्ब्रेसिंग द मोमेंट, मैजिकल मोमेंट दैट स्पोक एंड सेड लेट देयर बी लाइट। Let the radiance smile with the night, and in my contours lies hope outlined of a strong and fair future for all to find. The president's bodyguard will now escort the president to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. Mananiya Rashtrapati ji, Srimati Draupadi Murmu, इस भव्य समारोह के समापन के बाद विजय चौक से प्रस्थान कर रही हैं। The only thing that seems to have dampened is the crowd. The spirits high, the audience full of patriotic fervor, and of course, tradition carrying out its role of anchoring and keeping us solidly grounded. 46 घुड़सवार अंगरक्षक जिनकी कमान संभाली है कर्नल अनूप तिवारी ने, और उनके सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव समारोह पूर्वक बढ़ चले हैं अब रायसीना पहाड़ी की ओर। प्रधानमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी से विदा लेने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी अब राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रही हैं। Winter has this powerful way of foregrounding the importance of warmth in our lives. And here, despite a slight wind picking up and it becoming chillier than normal, it is the warmth of national pride that warms our spirits, uniting us as a people, as a nation. आज शाम सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती रही और हमारे सैनिक रायसीना की ओर ओझल हो गए। अगले वर्ष हमारे सैनिक फिर लौटेंगे संगीत का जादू फिर से जगाने के लिए, फिर चाहे आज की तरह बारिश आए, कड़ाके की सर्दी हो या कोहरा छाए। The evening's cloak of inky velvet embellished with the colors of diversity, an adoring audience showering love, patriotism and admiration, suffusing the crisp winter air with the glow of reverence and pride, and a resplendent corridor of governance with the power to empower will now celebrate with its surroundings. The colors of celebration will now become one with the air
as it takes this message all across that India, though held strong by its ancient roots, has now spread its wings to take off, bearing in their wide span the aspirations of a young population, vibrant democracy, and inherent creativity. We are the world. We look at the world as a family, interactive, interconnected. Prime Minister Narendra Modi is now seen off the Vice President. And moving around the enclosures to wave and greet this stoic, resilient, and hugely participative audience. Braving the chill, braving the weather, showing complete solidarity. And what a fabulous moment for all of them, capturing it for their own personal memories. आज के इस मौसम के बावजूद दर्शक यहां पूरे उत्साह से बैठे रहे और अब प्रधानमंत्री उनके निकट, उनके दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत ही खास और यादगार मौका और यहां दर्शकों में बहुत उत्साह। The drizzle seems to have paused and the Prime Minister now walking out of the sheltered area into the open, waving to the crowd. In today's era of fast movement and short attention spans and quick turnaround times, the role of traditional ceremonies and protocol is all the more special. History, ceremony, and protocol all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered time. Roshni se tasveerein badal jati hain, roshni se taqdeerein bhi badal jati hain. Andhera tabhi tak hai jab tak roshni nahi hai. Jan jan ke